1, 2, and 3. So, what's up guys, सारे वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। तो आपने टाइटल देख के ना पढ़ ही लिया होगा कि भाई मैं इतना ज्यादा क्यों एक्साइटेड हूँ। तो आज फाइनली अपनी कार की डिलीवरी है। वैसे कार की डिलीवरी 3-4 दिन पहले होनी थी, बट कुछ थोड़ा इश्यूज के चक्कर में 3-4 दिन डिले हो गया। तो भाई कल जो है मेरे डैड का बर्थडे है। दिस इज द फर्स्ट टाइम जिसमें मतलब मेरे डैड ना ऑफिशियली व्लॉग में आएंगे। बहुत सारे लोग कहते थे कि भैया पापा को भी व्लॉग में लिया करो, तो इस बार पापा व्लॉग में आ रहे हैं। तो जरा नोटिस करना, जो मेरी आईज है ना पूरी की पूरी स्वेल हो रखी है। मैं सुबह आज 5 बजे सोया था और सुबह सुबह 8 बजे उठ गया रेडी होने के लिए, क्योंकि गाड़ी की डिलीवरी लेने जाना था। क्योंकि मैंने कहा भाई देखो आज जाना है पापा के साथ, अगर लेट हो गए ना तो बहुत गालियाँ पड़ेंगी। तो भाई हम रेडी खड़े हैं और पापा जरा अभी कहीं काम से गए हैं, तो जैसे ही पापा आते हैं हम निकलते हैं। आज से ना 6 मंथ्स बैक मैं अपनी ना डाइट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था, मतलब जो आया वो खा लिया। 4-5 महीने से ना मतलब ऐसा सीन हो चुका है कि ना मेरा फालतू खाने का मन करता है। अब ये नहीं है कि क्रेविंग नहीं होती, क्रेविंग होती है, बट ऐसा लगता है कि चलो अगर खा भी रहे हो ना तो हर चीज एक लिमिट में खाओ। मतलब तुम लगा लो मैंने विद इन 4-5 मंथ्स अराउंड 10 से 12 किलो कम किया, और अभी 5 किलो मेरे को और कम करना है, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई ने ना एब्स बनाने हैं। ये थोड़ा बहुत फैट रह चुका है, लेकिन मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अपना जैसे लाइफस्टाइल चेंज करा है ना। जब आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो, खाना पीना अच्छा करते हो ना, आपकी लाइफ भी चेंज होती है। आप लाइफ में गोल सेट कर लो ना, स्पेशली खाने का। मतलब अगर आप खाने में अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो ना, आप फालतू नहीं खा रहे हो और आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है जिसकी आप क्रेविंग नहीं रोक सकते और फिर भी उसकी आप क्रेविंग रोक लो, तो इसका मतलब यह है कि आपने ना मास्टर कर लिया कि आप अपना दिमाग कंट्रोल कर सकते हो। और जो बंदा अपना दिमाग कंट्रोल कर सकता है ना, उससे ऊपर कुछ नहीं है लाइफ में। तो आप जा नहीं रहे क्या? नहीं अब नहीं जा रही मैं। क्यों? नहीं किट्टी है, मैं तेरे को कल बोला तो था। और कह दे बाल तो ठीक करने दे। तारीफ हो रही है तेरी, आजा। हाँ इधर आ, ऊपर ऊपर आ, पहले तारीफ सुन। हाँ इधर आ, ऊपर आ, ऊपर आ। ये बड़ी समझदार है, इसका दिमाग बहुत तेज है, बहुत तेज। मैं सीढ़ी उतरती हूँ तो मैं कहती पीछे नहीं आना, तो वही खड़ी हो जाती है। आ रही है आपकी भी? आ रही है पापा, मेरे इधर से आ रही है ना, देखो। हाँ तो हमारी इधर से नहीं आई। चलो भाई अब आप देखो पापा, ये देखो आ रही है। अरे यार छाया आ रही है। बेसिकली पापा के पास पहले स्कॉडा थी, तो पापा ने अपनी स्कॉडा सेल कर दी थी अराउंड 6 मंथ्स पहले, और पापा चला रहे थे i10। तुम लगा लो कि मैं एक बार दिल्ली मैंने गाड़ी मंगवाई है, आने जाने में 7-8 हज़ार रुपये का पेट्रोल बिक गया, तो सोच लो गाड़ी की क्या हालत हो रही होगी इंजन की। अब फाइनली नई गाड़ी आ रही है। हाँ भाई थैंक्स टू यू कि तुझे जो लगा कि भाई गाड़ी अब घर में नहीं आ जानी चाहिए, थैंक्स टू यू। और आप जा रहे हैं, आप उम्मीद है 1-1.5 घंटे में हम हरिद्वार AVS फोर्ड पहुँचेंगे, तो वहाँ से नई गाड़ी की डिलीवरी लेनी है। फोर्ड, कई लोगों ने मुझे कहा भैया फोर्ड कंपनी तो बंद हो रही है, फोर्ड क्यों लेनी है। फोर्ड मुझे ना शुरू से ही पसंद थी गाड़ी फोर्ड, क्योंकि आप ये देखो कि फोर्ड वर्ल्ड रेनॉन्ड कंपनी है और उस गाड़ी का बिल्ड भी बहुत बढ़िया है। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हरिद्वार, और हरिद्वार आने का ये रीज़न है कि जो गाड़ी है ना हमने हरिद्वार से ही लेनी है। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ना इन्होंने हमें देहरादून वाले शोरूम से ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट दिया, ज़्यादा अच्छा ऑफर्स दिए। लगा लो गाड़ी में एसेसरीज ज़्यादा दे दी, एक्सटेंडेड वारंटी दे दी, जो हमें देहरादून शोरूम वाले नहीं दे पा रहे थे। बिल्कुल, जो अच्छी सर्विसेज देगा, जो अच्छी सपोर्ट देगा, क्योंकि अब देखो कहा ये जा रहा है कि फोर्ड कंपनी बंद हो रही है, लेकिन मुझे जो सबने आश्वासन भी ये दिया कि कंपनी अगर बंद हो रही है उसके बाद भी अभी 10 साल हमें यहाँ पर आफ्टर सेल सर्विसेज परफेक्टली मिलती रहेंगी, इनका आश्योरेंस था। और मैंने पहले भी जैसे कहा, मेरा तो थोड़ा ये था कि मुझे फोर्ड की ही गाड़ी लेनी है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कंपेयर किया जब मैंने अदर कार से, तो फोर्ड इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कार। अच्छा सर आपका अपना मस्टैंग की सेल्स तो होंगी ना? तो भाई जैसे आपको बताया, अब घर में ना 3 कार हो चुकी है, एक स्पोर्ट्स बाइक हो चुकी है, अब ये थोड़े बहुत सर्विस के खर्चे, पेट्रोल के खर्चे मैं कैसे निकालता हूँ? अब मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ जिसका नाम है बिनोमो, और उस पर ट्रेडिंग करके ना मैं अपने छोटे मोटे खर्चे पूरे कर लेता हूँ। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि बिनोमो पे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में पड़े हैं 41,496 रुपीज, तो मैं करूंगा 7,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट और नीचे क्लिक कर दूंगा। तो अगर मेरी प्रिडिक्शन के अनुसार ग्राफ नीचे चले गया तो मुझे हो जाएगा प्रॉफिट।
सो यस, जैसे आप देख सकते हो मैंने कमा लिया 12,740 रुपए। और बाकी अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए हो ना तो आप सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो और इनसे चैट या कॉल पे बात कर सकते हो। सो गाइस, किस चीज की वेट कर रहे हो? फटाफट से जाओ और जाके बिनोमो ऐप डाउनलोड करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और अगर मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे ना तो आपको मिलेंगे $1,000 फ्री आपके डेमो अकाउंट में। तो पहले प्रैक्टिस करो और उसके बाद रियल मनी से ट्रेड करो। और भाई मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल है ना बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है। तो गाइज, जिस कार की हम डिलीवरी ले रहे हैं वो हमारे पीछे गाड़ी है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मतलब यार, पापा को ना पहली बार कोई चीज़ गिफ्ट कर रहा हूँ जो उन्हें चाहिए थी। गाड़ी की ना घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, सबसे पहले ना गाड़ी का काम कराना है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ यार, हमारे घर में ना पहले ऐसा सीन चलता था कि कोई भी गाड़ी लेनी है सेकंड हैंड लेनी है। लेकिन भाई जब से ही हमारे गाड़ियों का सीन हुआ ना, हमने स्कॉडा ली उसमें दिक्कत, इनोवा ली उसमें दिक्कत, i10 ली उसमें दिक्कत, भाई मतलब अब तो ये बांध लिया कि कभी भी ना कोई सेकंड हैंड गाड़ी नहीं लेनी। इनफैक्ट अभी बीच में वो भी ली थी सुजू, उसमें भी दिक्कत आ गई थी। तो भाई अब डिलीवरी का ना टाइम आ चुका है, तुम वो चीज़ें ना सिनेमैटिक शॉट्स में इंजॉय करना। तो भाई फाइनली ना अपनी गाड़ी अनरिवील करते हैं। सो 1, 2 and 3। तेरी मेरी मेरी तेरी एक कहानी है, बातें कुछ अनकही कुछ बतानी है। शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैंने, जाने किस किस गली। तेरी मेरी मेरी तेरी बातें पुरानी है। आसमां के रंग देख ही रहा हूं मैं, कभी नीला है कभी लाल है कभी पीला है, कभी नारंगी कभी सतरंगी कभी बैंगनी। बातों बातों में कर बैठे मुलाकातें। तो बेसिकली ना कलर के हमारे पास दो ऑप्शंस थे, एक तो वाइट गोल्ड था और एक था वाइट कलर। लेकिन पापा ने बोला यार देख, वाइट तो सबके पास है तो कॉमन हो जाएगा, तो इससे अच्छा वाइट गोल्ड ले लेते हैं। नो डाउट कलर इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। नहीं, वाइट गोल्ड बहुत बेहतरीन कलर है। गोल्ड पहले मुझे लगा शायद कोई बहुत डार्क कलर या बहुत ब्राइट कलर होगा, तो ये वाइट इज गोल्ड है, इट्स अ ब्यूटीफुल कलर। जाने किस किस गली, तेरी मेरी मेरी तेरी बात पुरानी है। एक तो भाई इस गाड़ी में ना आगे इतनी ज़्यादा स्पेस है कि मेरा कैमरा आ गया, तो सबसे बढ़िया चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़, इसका जो इंटीरियर है, नो डाउट इंटीरियर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और जो भाई ने इस पे कॉम्प्लीमेंट्री सीट कवर्स लगवाए हैं, अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेके आ रहे थे और कुछ सपोर्टर्स मिल गए, क्या हाल है? अरे हेलो जी, पापा ने तो गाड़ी चला ली। तो भाई अब ना ज़रा थोड़ा मेरा टाइम है, मैंने कहा मैं भी थोड़ी गाड़ी में ना गेड़े गुड़े मार के आऊँ। जरा देखें जो गाड़ी है अपनी जो हमने ली है वो कैसी चल रही है। बाकी ना मैंने अभी स्टेटस डाला था इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि साहेब भाई फोर्ड बंद हो चुके तो आपने फोर्ड क्यों ले लिया। तो बेसिकली पहले हमारा प्लान था सेकंड हैंड गाड़ी लेने का, लेकिन हमें फिर हमने फोर्ड से बात करी, हमें फोर्ड अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहा था, मतलब हमें बहुत सही डिस्काउंट मिला। तो हमने कहा सेकंड हैंड गाड़ी लेने से अच्छा एक नई गाड़ी निकाल लेते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कल ना पूरी वीडियो की एडिटिंग करके सुबह अराउंड 5:30 बजे सोया था और अब फिर उठ चुका हूँ क्योंकि वीडियो फाइनलाइज कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड करनी है और अभी कहीं काम से भी जाना, तो इसलिए सुबह सुबह रेडी होकर बैठा हूँ। मतलब तुम लगा लो कल भी मैं 2-3 घंटे सोया, आज भी मैं 2-3 घंटे सोया, मेरी शक्ल की हालत से आप बता सकते हो। बाकी आज तो जिम भी नहीं गया, तो आज भी कहीं जा रहे हैं काम से, और आज जो जिम करेंगे वो हम करेंगे शाम को। बाकी अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, ऐसे ही सपोर्ट करो, प्यार करो। आज जो भी हूँ ना आप लोगों के चक्कर में, अगर आप लोग ना सपोर्ट करते ना तो आज कुछ भी ना होता। बाकी बता दूं, एक अपडेट दे दूं, मेन चैनल पे भी वीडियो आने वाली है। आई लव यू गाइस। शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैंने, जाने किस किस गली।